दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और नया नीलामी का अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं और ये नीलामी जो है ना प्राइवेट नीलामी होने वाला है। और इसमें अगर बात करें तो ये करीबन 250 से अधिक जो है ना इसमें गाड़ी रहने वाला है। और इसमें जो गाड़ी सब रहने वाला है जिसमें आपको मैजिक है, एसी है, योद्धा है, एंट्रा है, ट्रियागो है और टिगोर है, 1109 है, 407 है, 2518 है, 3118 है, 3718 है, 4018 है, 1512 है, 1412 है, यानी ये सब गाड़ी जो है ना ये सब गाड़ी आपको शामिल होने वाला है इस नीलामी में। और ये नीलामी जो है आपको कहाँ पे किया जाएगा, किस डेट को किया जाएगा, सारा कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। और बताएं कि ये जो नीलामी है ये टाटा मोटर्स फाइनेंस के द्वारा ये नीलामी किया जाएगा। टाटा मोटर्स फाइनेंस के द्वारा ये नीलामी किया जाएगा। करीबन इसमें 250 से अधिक गाड़ी जिसमें कार, बस, ट्रक, 10 चक्का, 12 चक्का, हाईवा, जेसीबी, ट्रैक्टर, बाइक, इस तमाम गाड़ी इसमें उपलब्ध है। और ये जो है ना ओपन ऑक्शन होगा। ओपन ऑक्शन बात करें यानी खुली नीलामी, जो गाड़ी देखकर आप उस पर बोली लगा सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का आपका एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल एंट्री फ्री है, फ्री एंट्री है। जाइए गाड़ी देखिए और बोली लगाइए और प्री अप्रूव्ड आपको गाड़ी भी मिल जाता है। लेकिन ये सब जो गाड़ी आपको जो रहता है, ये जो ऑक्शन का जो बैंक का खींचा हुआ गाड़ी सब रहता है, जो अलग अलग कंपनी जो सीज करती है गाड़ियां, वो सब गाड़ियों की नीलामी की जाती है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आपको जो जिस लोकेशन पे नीलामी किया जाएगा उस लोकेशन पे आपको जाना होगा। अब लोकेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे अभी ये जो नीलामी हम आपको दे रहे हैं ये नीलामी जो है ना बिहार पटना में किया जाएगा। और बिहार पटना में नीलामी किया जाएगा, लेकिन वहां पे जो नीलामी जो होगा वो बताएं कि एक कमरे में होगा, यानी एक होटल में होगा। पूरा एड्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जगह का नाम है होटल अम्रपाली रेसिडेंशियल, इनकम टैक्स के पास में पटना, इनकम टैक्स के पास में पटना, होटल अम्रपाली। किसी से पता कीजिएगा, कोई बता सकता है, वहीं पे ये नीलामी किया जाएगा पटना में। ये सभी गाड़ियों का, तमाम गाड़ियों का लास्ट में हम इसका हम लगा देंगे, पूरा रख देंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है, फॉर्मेट रहता है, दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको। और जो गाड़ी सब रहता है बैंक का खींचा हुआ रहता है, जो आम लोग ये मैं चुकता नहीं कर पाते हैं उन लोगों का गाड़ी खींचा कर आता है, उसी गाड़ी को नीलामी की जाती है। और रह गया बात कि काफी सारे लोग अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग जगह से हैं और परेशान होते हैं कि भैया क्या हम उस नीलामी में आ सकते हैं। देखिये, आप कहीं के भी ऑल इंडिया में कहीं के भी नीलामी में आप जा सकते हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं है, गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां आता है आपको डॉक्यूमेंटेशन में, ये कोई मतलब फर्जीवाड़ा तो होता नहीं है। गाड़ी आप जब लीजिएगा तो पैसा से लीजिएगा, पैसा पेमेंट कीजिएगा, और फिर अगर आपको पेपर बनवाने में अगर आपको पैसा ज्यादा लग जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि जहां पे आपका नियरेस्ट जिस स्टेट से अगर आप है उस स्टेट में अगर आपको नीलामी अगर मिल रहा है तो आप उस नीलामी से गाड़ी लीजिए। अगर अदर दूसरे स्टेट से अगर आप जाकर लेना चाहते हैं बेशक भी आप वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत आपको पेपर बनवाने में आएगा। जिस डीटीओ से होगा उस डीटीओ से आपको पेपर बनवाना होगा, पेपर का ही प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल पेपर कंप्लीट करा के ऑक्शन में गाड़ी रहता नहीं है, क्योंकि पेपर एक किट मिलता है, उस किट के माध्यम से ही टोटल आपका काम होता है। कई जगहों पे आपको आरएसडी अमाउंट, ईएमडी अमाउंट, अग्रिम राशि, अग्रधन की राशि, ये सब जमा लिया जाता है। लेकिन आप जहां पे होगा, जिस आप नीलामी में जाइए, किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी को एडवांस पैसा किसी को नहीं दें, इस चीज से सतर्क रहें। स्कैम भी होता है काफी ज्यादा जगहों पे, लोग होता है कि नीलामी में एडवांस पैसा दे दीजिए, कुछ बुकिंग करवा लीजिए, ऐसा कुछ कहीं नहीं कीजिएगा। जाइएगा, स्वयं देखिएगा, पूछिएगा, रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, चार्जेस कितना कटने वाला है, क्या चार्जेस कटने वाला है, इन सारे चीजों को देखकर, सोचकर, समझकर तभी आप नीलामी में पार्टिसिपेट कीजिए, बोली लगाइए।
अगर ये सारा चीज बिना जाने बिना कुछ समझे अगर आप पैसा अगर देते हैं और किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं गलती करते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारे मुद्दों, इन सारे पॉइंटों पे आपको खास ध्यान रखना है कि जिस नीलामी जाए कहीं भी ऑल इंडिया में काफी ज्यादा जगहों पे नीलामी किया जाता है, तो किसी नीलामी में अगर आप जाते हैं तो उस नीलामी में उसका थर्म्स कंडीशन को पहले आप जान लीजिए कि क्या थर्म्स कंडीशन है। कई ऐसे जगहों पे जो है ना अलग अलग थर्म्स कंडीशन होती है, तो कुछ एक हम एक अलग से एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं क्या थर्म्स कंडीशन रहता है लगभग नीलामी का, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। उस वीडियो में हम आपको कंफर्म कर देंगे कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी। और इस तरह का हम लगातार हम अपडेट देते रहते हैं यूट्यूब पे, हमारा काफी ज्यादा रील्स आप देखते होंगे, काफी ज्यादा रील्स, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो वीडियो को नहीं देखते होंगे, रील्स नहीं देखते होंगे, काफी ज्यादा रील्स ट्रेंडिंग पे रहता है, काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पता है कि काफी सारे लोग इस जो दीपावली ये निकला है, धनतेरस निकला है, काफी सारे लोग मिले हैं हमसे भी, बात की है, काफी अच्छा लगा, आनंद आया। वो लोग बोले कि भैया हम, कोई बोल रहे थे मतलब ट्रक खरीदे हैं, कोई बोल रहे थे हम बाइक खरीदे हैं, कोई बोल रहे थे हम कार खरीदे हैं, कोई बोलते हैं पिकअप खरीदे हैं। अच्छा लगता है, आनंद आता है कि आपके माध्यम से उस नीलामी। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो नीलामी होता है और जो नीलामी की जो गाड़ियां होती है वो कैश में निकलती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है काफी लोग के साथ में कि सर इतना महंगा गाड़ी है, उतना पैसा एक साथ में, किसी को ट्रक लेना है तो 20 लाख 30 लाख का गाड़ी अगर आता है, मान के चलिए एग्जाम्पल देते हैं, तो उतना का पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उतना पैसा आपको कैश करना पड़ेगा। उसके बाद में आप उस गाड़ी पे रिफाइनेंस वगैरह करा सकते हैं, या गाड़ी के जब तक अप्रूवल नहीं आता है, गाड़ी जब तक किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होता है तब तक जो है ना उस पर लोन होना इम्पॉसिबल होता है। तो कुछ होता है ऐसा भी है कि कुछ गाड़ियां जो ऑक्शन की होती है और वो गाड़ी पर प्री अप्रूव्ड भी हो जाता है, यानी लोन कंपनी ही कर देती है स्वयं। ठीक है, अगर आपको एक गाड़ी लेना है तो ये चीज उसमें अगर होगा, पार्ट में अगर होगा, हाँ इस गाड़ी पे हम लोन कर सकते हैं, तो वो चीज अलग होता है, वो ऑक्शन से अलग हटके हो गया, यानी आप एज लाइक बायर हो गए और कंपनी एज लाइक सेलर हो गया। सेल और बायर, बाय और सेल के बीच का जो होता है ना, यही चीज वहां पे महत्व रख लेता है। इसके कारण जो है ना आपका गाड़ी पे लोन हो सकता है जो नीलामी की गाड़ी है। इसका एक और सेपरेट वीडियो हम ला देंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सटीक और सही जानकारी आपको मिल सके। और भी कोई अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नीलामी में, तब तक अभी से धन्यवाद, जय हिंद।